Hello dear students, welcome in English class. Myself Ashutosh Pandey from Jagajit Inter College Econa Sravasti. How are you? I hope you are happy and healthy with your family. Today's topic is related to synthesis. Today I will teach you how to make simple sentence by using infinitive. Before it, you have been taught how to make simple sentence by using participle, present participle, past participle, and perfect participle. सिंथेसिस के अंतर्गत इसके पहले आपको पार्टिसिपल के माध्यम से सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाए यह बताया गया। आज हम इन्फिनिटिव के माध्यम से सिंपल सेंटेंस का निर्माण कैसे करेंगे इसका डिस्कस किया जाए। पहले आपको जानना है कि सिंथेसिस क्या है। इसके पहले तो बताया ही गया था, पुनः एक बार बताया जा रहा, टू कंबाइन द सेंटेंसेस इज कॉल्ड सिंथेसिस, अर्थात वाक्यों को जोड़ना ही सिंथेसिस कहलाता है। वी कैन मेक थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अंडर सिंथेसिस, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। हम सिंथेसिस के अंतर्गत तीन तरह के वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। टुडे आई विल टीच यू टू मेक सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग इन्फिनिटिव। नाउ यू हैव टू नो व्हाट इज इन्फिनिटिव। अब आपको जानना इन्फिनिटिव क्या है, उसी का यूज करते हुए सिंपल बनाना है। तो पिछली कक्षाओं में अथवा इसके पहले आपको इन्फिनिटिव के बारे में जानकारी दी गई होगी कि टू प्लस वर्ब फर्स्ट को ही इन्फिनिटिव कहा जाता है। हिंदी में उसका अर्थ है क्रिया अर्थक संज्ञा, अर्थात टू प्लस वर्ब फर्स्ट का जो स्वरूप है वह इन्फिनिटिव कहलाता है। वह संज्ञा के रूप में भी कार्य करता है, एडजेक्टिव अर्थात विशेषण के रूप में भी कार्य करता है, और एडवर्ब अर्थात क्रिया विशेषण के रूप में भी कार्य करता है। वाक्य में सब्जेक्टिव पार्ट में भी इन्फिनिटिव का प्रयोग हो सकता है और ऑब्जेक्टिव पार्ट में भी इन्फिनिटिव का यूज किया जा सकता है। Now you have to know in which condition we can use infinitive to make simple sentence. अब आपको ये जानना है किस कंडीशन में हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हुए सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। कंडीशन क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी कंडीशन ऑफ द सेंटेंस। कंडीशन है ड्यूटी, अर्थात जो आप लिखा हो उसमें ड्यूटी शो हो रहा हो, कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसमें उसका ड्यूटी शो हो रहा है, उसके कर्तव्य दिखाई दे रहे हैं कि कार्य कर्तव्य निभाने के लिए किया जा रहा है। अथवा पर्पज, पर्पज अर्थात उद्देश्य हो, लक्ष्य, कार्य करने का कोई उद्देश्य कि किस उद्देश्य से कर्ता के द्वारा कार्य किया जा रहा है। अथवा रिजल्ट अर्थात परिणाम, अर्थात किसी स्थिति का परिणाम दिया गया। तो ड्यूटी, पर्पज और रिजल्ट ऐसा अगर वाक्य में शो हो रहा है तो हम इन्फिनिटिव का यूज करके सिंपल का स्वरूप दे सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाया जाएगा, जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल है आई हैव टू सन्स, उसके आगे दूसरा सेंटेंस आई हैव टू एजुकेट देम। There are two sentences before you. You have to combine both sentences to make simple by using infinitive. यहाँ पर क्या दिखाई दिया, ड्यूटी शो हो रहा है, मेरे दो पुत्र हैं मुझे उन्हें शिक्षित करना। यहाँ पर ड्यूटी शो हो, हम इन वाक्यों को कंबाइन करके सिंपल का स्वरूप दे सकते हैं। तो पहले करें क्या, आपको वाक्य में ड्यूटी दिखाई दिया,
तो इन्फिनिटिव का यूज आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इन्फिनिटिव को चिन्हित करें कि इन दोनों वाक्यों में कहां पर इन्फिनिटिव। तो किसी किसी वाक्यों में दिखाई भी देगा इन्फिनिटिव और कहीं कहीं पर वह हिडन भी होगा, तो इन्फिनिटिव का स्वरूप स्वयं देना हो। लेकिन यहां पर आपको दिखाई दे रहा, शो हो रहा है कहां पर इन्फिनिटिव है, टू प्लस और फर्स्ट कहां है, यहां दिखाई दे रहा है टू एजुकेट। तो आपने इन्फिनिटिव को चिन्हित कर लिया। अब जिस वाक में इन्फिनिटिव नहीं है अर्थात पहले वाले वाक को ज्यों का त्यों लिख लिया जाए, और दूसरे वाक से जिसमें इन्फिनिटिव है उस इन्फिनिटिव वाले भाग को उसी पहले वाक में कंबाइन कर लिया जाए, और यदि उस इन्फिनिटिव के बाद कोई कॉम्प्लीमेंट हो और वो नेसेसरी हो तो उसे भी लिख दिया जाए, अगर अननेसेसरी हो तो उसे न लिखा जाए। तो हो गया आई हैव टू सन्स, फर्स्ट सेंटेंस जब का तो लिखा गया, आपको बताया गया सेकंड सेंटेंस से इन्फिनिटिव लिया जाए, टू प्लस और फर्स्ट लिया जाए टू एजुकेट। तो हो गया आई हैव टू सन्स टू एजुकेट, देम नहीं लिखा गया क्योंकि यहाँ देम ऑब्जेक्टिव केस के रूप में लिखा गया है सन्स के लिए, तो सन्स ऑलरेडी यहाँ लिखा है इसलिए देम की कोई जरूरत नहीं है, ये अननेसेसरी। सेकंड एग्जांपल देखें, पर्पज का एग्जांपल है, ही इज गोइंग टू द मार्केट, ही वांट्स टू बाई सम फ्रूट्स, वह बाजार जा रहा है, वह कुछ फल खरीदना चाहता है। तो बाजार जाने का पर्पज क्या है, फल खरीदना। दिस सेंटेंस शोज पर्पज। अब आप करना क्या है, अगेन यू हैव टू फॉलो दैट फार्मूला, उसी फार्मूला को आपको फॉलो करना जो इसके पहले बताया गया। पहले आप चिन्हित करें इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव यहां दिखाई दिया टू बाई, और उसके साथ कॉम्प्लीमेंट भी है वो भी जरूरी होगा तो भी लिखा जाएगा। तो आपने इन्फिनिटिव चिन्हित किया, अब जिस वाक में इन्फिनिटिव नहीं अर्थात पहले वाक को ज्यों का त्यों लिख लें, He is going to the market first sentence लिखा गया, अब second sentence से infinitive लिया जाए to buy some fruits, भी यहां necessary है लिखना some fruits। तो हो गया He is going to the market to buy some fruits। यहां पर इन्फिनिटिव के माध्यम से दोनों वाक्यों को कंबाइन करके सिंपल का स्वरूप दे दिया। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम इन्फिनिटिव का यूज करते हुए वाक्यों को जोड़कर सिंपल का स्वरूप देंगे। अब आपको थर्ड एग्जांपल रिजल्ट का परिणाम, किसी स्थित का परिणाम, जैसा कि सेंटेंस से इज वेरी फैट, अगर शी कॉन्ट सिट हियर प्रॉपरली, वह बहुत मोटी है, वह सही ढंग से यहां नहीं बैठ सकती। तो मोटे होने का परिणाम रिजल्ट है कि वह उचित ढंग से सही ढंग से नहीं बैठ सकती। लेकिन यहां पर इन्फिनिटिव शो नहीं हो रहा, हिडन है, जिसे हमें स्वयं शो करना। इन्फिनिटिव का स्वरूप स्वयं देना है, इन्फिनिटिव का स्वरूप है टू प्लस और फर्स्ट, तो और फर्स्ट के पहले टू लगाएंगे तो इन्फिनिटिव का स्वरूप बोलेगा, तो और फर्स्ट कहां है सिट। यहां पर यदि हम टू का यूज कर देंगे वाक जोड़ते समय, कंबाइन करते समय, तो इन्फिनिटिव का रूप ले लेगा और यह सहायक होगा, हेल्पफुल हो जाएगा वाक को सिंपल बनाने के लिए। तो इन्फिनिटिव का स्वरूप यहां आया, तो फर्स्ट सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिखा जाए, लेकिन इस वाक्य में जो वाक आपके सामने है उसमें वेरी का भी प्रयोग हुआ है। तो यदि वाक में वेरी, ओवर, एक्सट्रीमली आदि कुछ ऐसे शब्द हों तो उनके स्थान पर
टू एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है, एडवर्ब टू टी डबल ओ। तो सी इज टू फैट, फर्स्ट सेंटेंस को लिखा गया वेरी के स्थान पर एडवर्ब टू का प्रयोग करते हुए जैसा कि रूल। अब आपको सेकंड सेंटेंस से इन्फिनिटिव का स्वरूप देते हुए वर्ब को लिखेंगे और उसके आगे कॉम्प्लीमेंट भी नेसेसरी होगा तो उसे भी उसमें कंबाइन कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो हो गया सी इज टू फैट, अब यहां से इन्फिनिटिव लिया जा टू सीट हियर प्रॉपरली तो हो गया सी इज टू फैट टू सीट हियर प्रॉपरली, यह सिंपल का स्वरूप ले लिया, दोनों वाक्यों को कंबाइन किया गया इन्फिनिटिव के माध्यम से और वह सिंपल का स्वरूप लिया। यहां पर इन्फिनिटिव डायरेक्ट नहीं दिखाई दिया, आपको स्वयं ही इन्फिनिटिव का स्वरूप देना पड़ा टू का यूज करके। अब फोर्थ एग्जांपल है, मोहन कॉल्स यू ही विल हेल्प यू इन दिस मैटर। इस वाक्य में पर्पज दिखाई दे रहा, मोहन आपको पुकारता है, पुकारने का पर्पज क्या है, ही विल हेल्प यू इन दिस मैटर, वह आपका सहायता इस मैटर में करेगा था, इस मामले में आपकी सहायता करेगा। तो कॉल करने का पर्पज है हेल्प करना, लेकिन इस सेंटेंस में भी आपको इन्फिनिटिव डायरेक्टली नहीं दिखाई देता, तो स्वयं ही इन्फिनिटिव का स्वरूप आपको देना है। इन्फिनिटिव का स्वरूप आप दे सकते हैं जहां वर्ब फर्स्ट है उसी के पहले आप टू का प्रयोग करते हुए इन्फिनिटिव का स्वरूप दे सकते हैं वाक्य को जोड़ते समय। तो इन्फिनिटिव का स्वरूप इस वाक्य में मिलेगा, इसलिए फर्स्ट सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिखा जाए, मोहन कॉल्स यू, फर्स्ट सेंटेंस हुआ। सेकंड सेंटेंस से इन्फिनिटिव का स्वरूप देते हुए वाक्य को आगे बढ़ाया जाए टू हेल्प, अब यू यहां लिख चुके हैं तो यह लिखना निरर्थक है, यू नहीं लिखा जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे इन दिस मैटर। होगा मोहन कॉल्स यू टू हेल्प इन दिस मैटर। इस तरह से आपको चार एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हुए सिंपल सेंटेंस बनाएंगे यह बताएंगे। अब कुछ उदाहरण आपके सामने और दिए जा रहे हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आप ध्यान से देखें, केयरफुली लिसन टू मी, देन यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक। जैसा कि इसके पहले आपको बताया गया, जब आपको इन्फिनिटिव क्लास में पढ़ाया जा रहा था ट्रांसलेशन के माध्यम से, तो आपको बताया गया था कि पैसिव में इन्फिनिटिव टू प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड के रूप में होता है, एक्टिव में तो टू प्लस वर्ब फर्स्ट, अरे पैसिव में लिखना होगा तो टू बी प्लस वर्ब थर्ड था, टू प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड। फिर पैसिव वाला वाक्य तो कैसे हम इन्फिनिटिव का यूज करते हुए सिंपल बनाएंगे, यू हैव टू नो इट। जैसे आई सा हिम, He was punished. There are two sentences before you. You have to combine them to make simple. First, I saw him. Second, he was punished. You have to combine these sentences to make simple by using infinitive. तो कैसे करेंगे,
I saw him. मैंने उसे देखा. अब सेकंड सेंटेंस पैसिव में. अगर बात को कहा जाए कि इन्फिनिटिव के माध्यम से सिंपल बनाओ तो आपको टू बी प्लस वर्ब थर्ड का प्रयोग करना होगा. तो आई सॉ हिम टू बी पनिश्ड. हाँ ध्यान देंगे, इसके पहले आपको जो बताया गया कि वाक में ड्यूटी पर्पज अथवा रिजल्ट शो होगा तो एक्सेप्शन के रूप में है. यहाँ ड्यूटी भी नहीं शो हो रहा, पर्पज भी नहीं शो हो रहा, रिजल्ट भी नहीं शो हो रहा, लेकिन इन्फिनिटिव के माध्यम से वाक को कंबाइन किया जा रहा है. यह आपको बताया जा रहा है कैसे हम कंबाइन कर सकते हैं इन्फिनिटिव के माध्यम से. होगा आई सॉ हिम टू बी पनिश्ड. इस तरह से आप पैसिव वॉइस के वाक्यों में टू बी का प्रयोग करेंगे या इन्फिनिटिव का रूप लेंगे. अनदर एग्जांपल देखा. इट इज आवर ड्यूटी. इट इज आवर ड्यूटी. I will help the poor. There are two sentences. You have to combine them to make simple by using infinitive. Sir, it is our duty. ये हमारा कर्तव्य है. I will help the poor. मैं गरीब की सहायता करूं. अब इन वाक्यों को कंबाइन करके सिंपल का स्वरूप देना है, वो भी इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं. इन्फिनिटिव तो दिखाई नहीं दे रहा, टू प्लस वर्ब फर्स्ट स्वयं ही इन्फिनिटिव का स्वरूप देना है. यहाँ पर वर्ब फर्स्ट है, यहाँ पर टू का यूज कर दिया जाए तो इन्फिनिटिव का स्वरूप हो जाएगा और वह हेल्पफुल होगा वाक्यों को कंबाइन करने की. तो होगा एक Our duty to help the poor. Okay, it is our duty to help the poor. इस तरह से इन्फिनिटिव के माध्यम से दोनों वाक्यों को कंबाइन करके सिंपल का स्वरूप दे दिया गया. जैसा कि आपको इसके पहले बताया गया कि इन्फिनिटिव सब्जेक्टिव पार्ट में भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव पार्ट में भी हो सकता है. तो इससे लेकर इसके पहले जितने भी एग्जांपल दिए गए उसमें सभी में ऑब्जेक्टिव पार्ट में इन्फिनिटिव को दिखाया गया. लेकिन इस वाक को हम सब्जेक्टिव पार्ट में भी इन्फिनिटिव को दिखा सकते हैं. कैसे? इन्फिनिटिव से ही वाक की शुरुआत कर दिया जाए, नाउन का स्वरूप इसे देते हुए, अर्थात इसी से वाक की शुरुआत की. टू हेल्प द पुअर. टू हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करना. अब आप करेंगे क्या, इन्फिनिटिव यहां दिखाई दिया सब्जेक्टिव पार्ट में संज्ञा का स्वरूप लेकर. अब आपको यह कर्ता का काम किया, अब इसके आगे वर्ब ऑब्जेक्ट रखें. इज आवर ड्यूटी हो गया. टू हेल्प द पुअर इज आवर ड्यूटी, गरीबों की मदद करना हमारा कर्तव्य है. तो दो तरीके से वाक्यों को हम सिंपल का स्वरूप दिए, एक तो ऑब्जेक्टिव पार्ट में इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हुए और दूसरा सब्जेक्टिव पार्ट में सिंपल का प्रयोग करते हुए. इस तरह से हम दोनों माध्यम से वाक्यों को जोड़ करके सिंपल का स्वरूप दे सकते हैं. जैसा कि अगर एग्जांपल देखें,
एक इज गुड फॉर हेल्थ I will play football. There are two sentences before you. You have to combine them to make simple by using infinitive. First sentence is it is good for health. Second, I will play football. अब आपको infinitive के माध्यम से simple बनाना। इन्फिनिटिव का स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा, स्वयं इन्फिनिटिव का स्वरूप देना है। यहाँ पर और फर्स्ट है, यहाँ पर टू का प्रयोग करेंगे तो वह इन्फिनिटिव का रूप लेगा। तो आप सब्जेक्टिव पार्ट में ही इन्फिनिटिव को लाते हुए वह आपको जोड़ेंगे तब भी जोड़ सकते हैं। जैसे यहीं से टू प्ले फुटबॉल टू प्ले फुटबॉल, फुटबॉल खेलना ये कर्ता बन गया। अब आप वर्ब रखें इज गुड और हेल्थ, तो ये टू प्ले फुटबॉल इज गुड फॉर हेल्थ। इस तरह सब्जेक्टिव पार्ट में इन्फिनिटिव का यूज करते हुए वाक्य को हम सिंपल का स्वरूप दे दिए। यदि इधर से अर्थात फर्स्ट सेंटेंस से लिखना चाहें तो या इट इज गुड फॉर हेल्थ, उसका इन्फिनिटिव इधर जोड़ते हैं टू प्ले फुटबॉल, तो इट इज गुड फॉर हेल्थ टू प्ले फुटबॉल, फुटबॉल खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता। इस तरह से वाक्यों को जोड़ करके कंबाइन करके सिंपल का स्वरूप दे सकते हैं इन्फिनिटिव के माध्यम। अब आपको एक होमवर्क के रूप में एक एक्सरसाइज दिया जा रहा है, उसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। पेन और कॉपी लें और होमवर्क के रूप में लिखें। I have 4 daughters I have to get married them। दूसरा है I am going to Kanpur I have to buy a new car। Mamta is very weak। Cannot run fast। I found him
He is a thief. I saw him he was scolded by his father इस तरह से there are five sentences before you have to combine to make simple by using infinitive. I have four daughters. I have to get married them. I am going to Kanpur. I have to buy a new car. Mamta is very weak. She can't run fast. I found him. He is a thief. I saw him. He was scolded by his father. You have to combine these sentences टू मेक सिंपल सिंपल बनाने के लिए आपको इन वाक्यों को कंबाइन करना आई होप आप समझ गए होंगे इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन शेयर इट यदि आपको कोई समस्या हो तो अपनी समस्या आप शेयर कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से मैसेज के माध्यम से अथवा डायरेक्ट कॉल के माध्यम से तो उसका सॉल्यूशन दे दिया जाए अथवा अगली कक्षा में आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दिया जाए तो इस वीडियो के माध्यम से आपको इन्फिनिटिव की जानकारी हुई इन्फिनिटिव के माध्यम से सिंपल कैसे बनाएंगे इसकी जानकारी आपको हुई अब अगली कक्षा में आपको सिंपल सेंटेंस अन्य तरीके से कैसे बनाएंगे जैसे कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके अथवा नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का यूज करते हुए कैसे हम सिंपल सेंटेंस का निर्माण करेंगे यह टॉपिक अगली कक्षा में इसकी टीचिंग प्रोवाइड की जाएगी बस आज यहीं तक थैंक यू सो मच बाय